खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे सिंध में आने वाली तब्दीली के हवाले से। क्या सिंध में वाकई तब्दीली आने वाली है? कायम अली शाह से वजारत आला वापस ली जाएगी, लेकिन नया वजीर आला कौन होगा? मुराद अली शाह जो कि मौजूदा वजीर खजाना है, वजारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार है। निसार खोड़ो, आगा सिराज दुरानी भी इस दौड़ में शामिल हैं, जबकि यह भी इत्तला आ रही है कि मौजूदा वजीर दाखला सुहेल अनवर सियाल और शर्मिला फारूकी की छुट्टी करवा दी जाएगी। सिंध काबीना में भी अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुध की शाम बिलावल हाउस में तलब कर लिया गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी वतन वापसी के बाद काबीना के नामों पर भी गौर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से कुछ खुश नहीं थे, और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि दुबई में अपने वालिद के हमरा मौजूद हैं और वहाँ पर तवील मुशावरत की गई है सिंध के मुस्तकबिल के हवाले से, एक बार फिर से सिंध के फैसले दुबई में बैठकर किए जा रहे हैं, और लगता यूँ है कि अब वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तहैया कर चुकी है कि वाकई सिंध की काबीना में तब्दीली लाई जाएगी। कायम अली शाह जो कि एक तवील अरसा से वजारत आला के मनसब पर फायज हैं, इत्तलात हैं और कभी इम्कानात हैं कि अब कायम अली शाह की भी छुट्टी करवा दी जाएगी और उनकी जगह मुराद अली शाह जो कि मौजूदा वजीर खजाना है, वो कभी इम्कानात हैं कि मुराद अली शाह को नया वजीर आला सिंध तैनात किया जाएगा। इसके अलावा निसार खोड़ो जो कि मौजूदा सूबाई वजीर तालीम है, वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं वजारत आला के लिए, और रागत सिराज दुरानी जो कि स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। एके मोहसिन वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, सबसे पहले तो एक बार फिर से दुबई में बैठकर सिंध के फैसले किए जा रहे हैं, कौन कौन वजारत आला की दौड़ में है ये तो बताएं। अब वजीर आला के सबसे जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो तो सैयद मुराद अली शाह हैं, जो कि वजीर खजाना सिंध हैं, क्योंकि हाईली एजुकेटेड भी हैं और उसे वोट भी बहुत ज्यादा मिले हैं। इसके अलावा दुबई में इजलास में मुराद अली शाह ही शरीक थे, जिस वजह से उन्हें ज्यादा पॉइंट हासिल हैं। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरी जानब हम देखते हैं तो निसार खोड़ो ने रास्ते तेज कर दिए हैं, वजारत आला के उम्मीदवार बने हुए हैं निसार खोड़ो। इसके अलावा स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी भी वजीर आला सिंध के उम्मीदवार हैं, लेकिन मजबूत उम्मीदवार की जब बात की जाती है तो मुराद अली शाह ही मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि वेरो कहते हैं कि उसकी काफी अच्छी जड़ें हैं, इसके अलावा एजुकेटेड भी हैं और तमाम मामला को समझते भी हैं, अराकीन सिंध असम्बली की इज्जत भी बहुत करते हैं, तो मजबूत उम्मीदवार तो मुराद अली शाह ही है। लेकिन मोहसिन, ये भी इत्तलात आ रही थी, आपने बताया कि वजारत आला की दौड़ में निसार खोड़ो भी शामिल हैं, आगा सिराज दुरानी जो कि मौजूदा स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। निसार खोड़ो के हवाले से इत्तलात थी कि उन्हें वजीर दाखिला बना दिया जाएगा सिंध का। ये वजीर जो निसार खोड़ो हैं वो रबते तो कर रहे हैं इस वक्त, तमाम अरकान असम्बली से भी रबते कर रहे हैं और पार्टियों से भी रबते कर रहे हैं। इसके अलावा जराए ये भी बता रहे हैं कि वो जो भूटों वाली सरकार है उनसे भी रबते कर रहे हैं कि उन्हें वजीर आला बना दिया जाए, लेकिन हुकूमत जराए यही बताते हैं कि मुराद अली शाह ही वजीर आला होंगे और निसार खोड़ो को कोई अहम कलमदान दिया जा सकता है, क्योंकि वजारत तालीम का कलमदान उनसे संभाला नहीं गया और अभी तक जो मोहसिन, इसके अलावा स्पीकर साहब के हवाले से बताएं, ये भी इत्तलात आ रही हैं और बड़ी कवी इम्कानात ये हैं कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को भी स्पीकरशिप से हटा लिया जाएगा, उनके लिए क्या कोई नया अहदा तफवीज किया जाएगा? ये आगा सिराज दुरानी का मुतबादिल अभी तक पीपल्स पार्टी के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि स्पीकर के लिए ऐसा शख्स होना चाहिए जो तमाम पार्टी के अरकान को और अपोजिशन जमातों को जोड़ के रखे, ये खासियत आगा सिराज दुरानी में मौजूद है। हम देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी कोई और तजर्बा करती है या नहीं करती, लेकिन अभी तक हमारे जो जराए बता रहे हैं और जितनी कैलकुलेशंस बता रही हैं कि आगा सिराज दुरानी का मुतबादिल पीपल्स पार्टी के पास कोई स्पीकर मौजूद है नहीं। तो मोहसिन, इससे पहले साबिका दौरे हुकूमत ने निसार खोड़ो भी तो स्पीकर रह चुके हैं सिंध के। जी बिल्कुल रह चुके हैं, दौर में काफी अपोजिशन नाला भी रही है और अभी भी जो अपोजिशन हल्के हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन लीग मजबूत अपोजिशन है, फंक्शन लीग को एतमाद में लेकर चलना होगा जो भी पार्टी बरसर इक्तदार आती है, इसके अलावा एमक्यूएम को भी साथ लेकर चलना होगा जो भी बरसर इक्तदार पार्टी आती है, तो इन सबको साथ लेकर चलना है। मोहसिन, आखिर में ये भी बता दीजिए कि बिलावल भुट्टो वतन वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो नाम फाइनल करेंगे कि किस शख्सियत को कौन सी वजारत देनी है और वजीर आला किसे बनाना है, तो कब तक बिलावल भुट्टो की वापसी मुतवक्के है? ये बिलावल भुट्टो की वापसी भी 48 घंटों में मुतवक्के है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद वो सीधे कराची ही पहुंचेंगे,
जिस तरीके से सैयद कायम अली शाह वापस आ रहे हैं, मुराद अली शाह आ चुके हैं, तो इस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी भी जल्द वक्त वापस आएंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वही नामों को फाइनलाइज करेंगे, और इसके अलावा जो इजलास होगा, सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में इजलास होगा जिसमें पार्लिमानी कमेटी का, और इसमें ही फैसले किए जाएंगे कि वजारतों के कलमदान किन किन अफराद को दिए जाएंगे, बिलावल की वापसी पर यह फैसला किया जाएगा। मोहसिन, बड़ी अहम बात, साईं का क्या करेंगे, क्या साईं सबकी निगरानी करेंगे? ये साईं के लिए होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से विफाक में डिप्टी वजीर आजम का ओहदा क्रिएट किया गया था, साईं के लिए भी डिप्टी वजीर आला का ओहदा क्रिएट किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखना यह है कि साईं को किस कोने में रखते हैं, आया उनको बुजुर्ग की हैसियत से रखा जाता है। शुक्रिया है कि मौसम तफसीलात के लिए हमें कराची से तफसीली अपडेट कर रहे थे। सिंध में तब्दीली आ रही है, और सिंध में खसूसन सिंध की काबीना की बात की जाए तो एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। दुबई में अहम फैसले किए गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत दुबई में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन उनके वालिद आसिफ जरदारी दुबई में मौजूद हैं, और आला सतह पर मशावरत की गई है, और कभी इम्कान हैं कि कायम अली शाह जो कि मौजूदा वज़ीर आला सिंध हैं उन्हें उनके अहदे से हटा लिया जाएगा, और कायम अली शाह खुद अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। इसी हवाले से अहम खबर दें आपको, मुराद अली शाह दुबई से कराची पहुंच गए हैं, वज़ीर आला बना तो अवाम की खिदमत करूंगा ये कहा जा रहा है मुराद अली शाह की जानिब से, कयादत जो फैसला करेगी वो कबूल होगा। आपको बताएं कि मुराद अली शाह वो शख्स हैं जिनको नए वज़ीर आला सिंध बनाए जाने का कवी इम्कान है, और वो दुबई में मौजूद थे दुबई में होने वाले इजलास में भी, और मुराद अली शाह अभी दुबई से कराची वापस पहुंच चुके हैं, वज़ीर आला बना तो अवाम की खिदमत करूंगा ये कहा गया मुराद अली शाह की जानिब से, और कयादत जो भी फैसला करेगी वो कबूल होगा, और ये कहा गया मुराद अली शाह की जानिब। आपको बताएं कि कायम अली शाह को तब्दील करने के हवाले से फैसला हो चुका है, और इस हवाले से कभी इम्कान है कि मुराद अली शाह सिंध के नए वजीर आला होंगे, वो दुबई में मौजूद थे और अभी कराची वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह भी दुबई में मौजूद हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के हमरा दुबई में मौजूद हैं। आला सतह पर मशावरत की गई है सिंध के मुस्तकबिल के हवाले से, और कभी इम्कान है कि मौजूदा वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को उनके अहदे से हटा दिया जाएगा, कायम अली शाह खुद अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर मुराद अली शाह जो कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना है सिंध के, कभी इम्कान है कि डॉक्टर मुराद अली शाह को सिंध का वज़ीर आला बना दिया जाएगा। अब इत्तला है कि इजलास में शिरकत के बाद दुबई से डॉक्टर मुराद अली शाह दुबई से कराची वापस पहुंच चुके हैं, और मुराद अली शाह का यह कहना है कि क़यादत जो भी फैसला करेगी वो कबूल होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि डॉक्टर मुराद अली शाह ने दुबई में फंक्शनल लीग के सरबरा पीर पगारा से भी मुलाकात की है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीरे आला सिंध कायम अली शाह ने दुबई में अलविदाई मुलाकातें की हैं, जहां उनके खिदमात को सराहा गया है। ज़राए कहते हैं कि सैयद कायम अली शाह 48 घंटों में मुस्ताफी हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध के नए वज़ीरे आला डॉक्टर मुराद अली शाह होंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध के नए वज़ीर आला मुराद अली शाह होंगे। ताहम स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और निसार खोड़ो भी वजारत आला के अहम उम्मीदवार हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुध की शाम बिलावल हाउस में तलब कर लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। सिंध के नए वज़ीर आला के लिए कागजात नामजदगी 28 जुलाई को जमा कराए जाएंगे। 29 जुलाई को नए कायदे ईवान के लिए राय शुमारी होगी। ज़राए का मजीद कहना है कि नए वज़ीर आला सिंध 29 जुलाई की शाम गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध से हेल्प लेंगे। अभी आपको खबर दें कि इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकरीरी के हवाले से होने वाला ओपोजिशन का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। पीटीआई की जानिब से केपी और पंजाब के नामों पर एतराज किया गया है। ताहम हुकूमत और ओपोजिशन ने 4 नामों पर इत्तफाक कर लिया है। ये इजलास हुआ जो कि इख्तिताम पजीर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकरीरी के हवाले से होने वाला इजलास खत्म हो चुका है, और इस इजलास में पीटीआई की जानिब से केपी और पंजाब के नामों पर एतराज किया गया है, जबकि हुकूमत और ओपोजिशन ने
4 नामों पर इत्तफाक कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के रकीन की तकर्री का मामला है और अभी तक ये मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री के हवाले से आज एक अहम इजलास तलब किया गया था हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं का और ये इजलास खत्म हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज़ किया गया है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जानिब से दिए गए एतराजात पर। और आपको ये भी बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन ने 4 नामों पर इत्तेफाक किया है, ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। कमेटी बनाई गई थी पार्लिमानी कमेटी जिसका कन्वीनर मुकर्रर किया गया था हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर परवेज़ रशीद को। और परवेज़ रशीद जो कि इस कमेटी के कन्वीनर थे कुछ ज़्यादा मुलाकातें नहीं की अपोजिशन जमातों के साथ, सिर्फ कुछ गैर मामूली मुलाकातें नहीं हुई, गैर रस्मी मुलाकात बहरहाल ज़रूर हुई थी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ सैयद खुर्शीद शाह के साथ। और अभी तक ये मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। इंतजार हैदरी वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज के इजलास की मजीद तफसीलात देंगे। इंतजार हैदरी, परवेज़ रशीद जो कि कन्वीनियर थे इस पार्लिमानी कमेटी के जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रुर करना था, आज कुछ कर पाए, कुछ नतीजा निकाल पाए इजलास में? जी बिल्कुल, नाम फाइनल कर लिए गए हैं और इत्तेफाक राय पाया गया है। अलबत्त कुछ नाम ऐसे थे जिन पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया। अपोजिशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के श्री मजारी ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इमरान के हवाले से तहफ़ुज़ात का इजहार किया। अलबत्त अवामी नेशनल पार्टी ने भी तहफ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम इन चारों नामों को तस्लीम नहीं करते, जबकि दीगर अपोजिशन ने दीगर जो जमातें हैं उन सबको जो है उन्होंने कहा कि इस पर हम इत्तफाक राय करते हैं। उसके बाद आज ये बाज़ाब्ता तौर पर नाम जो है वो भिजवाए जाएंगे, बाज़ाब्ता तौर से भिजवाए जाएंगे वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ को। तो इंतजार अभी नाम कुछ सामने आ सके या अभी भी उन नामों को सीगाए राज में रखा गया है? जी नाम जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि इस हवाले से नामों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है और कुछ देर में उनका नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया जाएगा। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन नामों को जिनको फाइनल किया गया है इनमें खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बलूचिस्तान से जस्टिस शकील अहमद को फाइनल किया गया है, सिंध से गफ्फार सोमरो को फाइनल किया गया है, जस्टिस शाहिद कैसर को केपीके से फाइनल किया गया और अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी को पंजाब से फाइनल किया गया है और उनकी बाकायदा मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस हवाले से अब बाकायदा नोटिफिकेशन जो कुछ देर में जारी किया जाएगा, इसका बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अलबत्त फिल वक्त इनको हतमी शक्ल दी गई और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को ये चारों नाम जो है वो भिजवा दिए जाएंगे। एक तवील मुशावरत हुई है हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से नामों पर इत्तफाक कर लिया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से केपी और पंजाब के नामों पर एतराज़ किया गया है। शुक्रिया इंतजार हैदरी, आपने अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध के वड्डे साईं जहां भी गए अपनी छाप छोड़ आए। भूलना, शेर गलत पढ़ना, सो जाना, ये उम्र का तकासा था या शायद वजारतों का बोझ। कायम अली शाह किसी ना किसी तरह मीडिया की जीनत बने रहे। देखते हैं ये रिपोर्ट। बहुत ही कामयाब कामरान और इंटरनेशनल फिगर हमारे जुनेद बोर तो नहीं हो रहे आप। सिंध के बुजुर्ग सियासतदान कायम अली शाह के तो क्या ही कहने हैं। दौरे वजारत में वड्डे साईं के अंदाज भी वक्रे नजर आए। दौरे वजारत में वड्डे साईं के अंदाज भी कुछ वक्रे ही नजर आए। छोटा सा शहर के जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो थम जाता है। वड्डे साईं ने जोशे खताबत में शेरों की भी खूब टांगे तोड़ी, कई जगहों पर अटके तो अटकते ही गए और फिर लुकमों के सहारे बात पूरी करते नजर आए। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा हो साहब मोहताज हो गनी एक ही, तेरी सरकार में आए तो सभी। सिंध असेंबली में अक्सर शेरों का हशर नशर करना शायद वड्डे साईं का पसंदीदा मशगला था। कायम अली शाह की भूलने की आदत पर अराकीन तो कह कहे लगाते ही स्पीकर साहब भी हंसे बगैर ना रह पाते। मुद्दई लाख पूरा चाहे
कुछ नहीं होता, वही होता है जो खुद वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। साईं तो साईं, साईं की याददाश्त भी साईं। एक बार बिजनेस के तलबा को इंजीनियर समझकर पूरा लेक्चर दे डाला। तमाम माशाल्लाह तमाम सुठा इंजीनियर थी दो हेडी बिल्डिंग तो खैर इन में तमाम बेहतरीन बिल्डिंग ठाई दो लेकिन तो एक बार तो याददाश्त ने ऐसा साथ छोड़ा कि सिंध असेंबली में अपनी नशिस्त ही भूल गए। साईं के अंदाज वाह क्या कहने, जहां भी गए कोई नया चुटकुला छोड़ाए। गरी खुदा बख्श में गाय को प्यार करने लगे तो गाय बुरा मान गई। अब इसे उम्र का तकाजा कहें, वजारतों का बोझ कहें या कुछ और, कायम अली शाह कई जगहों पर अटके भी और संभले भी। बात तो ये है कि अपने दौरे वजारत के दौरान कायम अली शाह किसी न किसी तरह मीडिया की जीनत जरूर बने रहे। बहुत ही कामयाब कामरान और इंटरनेशनल फिगर हमारे जुनेद। वाह साईं, खबरों आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अफगान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने काबुल में दहशतगर्द हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और दुख की इस घड़ी में अफगान हुकूमत और अफगान अवाम के साथ हैं, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ का। वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी को टेलीफोन किया है और वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ ने काबुल में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अफगानिस्तान में काबुल में दो धमाके किए गए थे जिनमें 80 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे और 230 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। इसी अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ ने अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी को टेलीफोन किया है और अफगान सदर से वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान अफगान हुकूमत और अफगान अवाम के साथ खड़ा है। अफसोसनाक वाक्य अफगानिस्तान में पेश आया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दो धमाके किए गए थे और इन दो धमाकों में 80 से ज्यादा अफराद जान बहक हो चुके हैं और 230 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। अब वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ ने इसी वाक्य पर अफगान अहदेदारान अफगान सदर से इजहार अफसोस किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी का मामला तवालत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से टाल मटोल से काम लेने पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन भी रुक गया। तफसीला जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब शुरू होने के बाद सिंध और खास तौर पर कराची में जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए रेंजर्स को खसूसी इख्तियारात दिए गए। इख्तियारात मिलने के बाद रेंजर्स ने पूरे सूबे में भरपूर कार्रवाइयां की और कराची समेत पूरे सूबे में अमन व अमान की बहाली में अहम किरदार अदा किया। रेंजर्स की इन कार्रवाइयों से जहां जराइम पेशा अफराद और गिरोह तंग थे, वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातें भी उससे खुश नहीं थी और वो इसका इजहार वक्तन फवक्तन करती रहीं। हर तीन महीने बाद जब रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी का मामला आता तो सूबाई हुकूमत इसमें टाल मटोल से काम लेती रही। ऐसा ही एक दफा फिर किया जा रहा है। रेंजर्स के सिंध में खसूसी इख्तियारात 19 जुलाई को खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद सूबे भर में जारी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। तमाम चेक पॉइंट और हसास मकामात पर तायुनात रेंजर्स एहलकारों को वापस बुला लिया गया है और फोर्स अगले अहकामात के लिए सिविलियन हुकूमत की तरफ देख रही है। इस सारी सूरत हाल में सूबे के शहरी परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि रेंजर्स के आने से जराइम की वारदातों में बहुत कमी आई है। हुकूमत इख्तियारात में तोसी का फैसला जल्द करे। पीपल्स पार्टी के बड़े विफाक और अवामी दबाव के बाद मसले पर बात करने के लिए दुबई में सर जोड़कर बैठ गए हैं। फैसला क्या होगा जल्द पता चल जाएगा। और बात करेंगे बलोचिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से। बलोचिस्तान मेगा करप्शन केस की आज समाप्त हुई है। साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मुश्ताक रईसानी 10 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि
मुलजिम इकबाल नदीम, ठेकेदार दाऊद और गुलशाह को 15 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। बलोचिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल, आज इस केस की समाप्त हुई है और साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 रोज के लिए रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुलजिम इकबाल नदीम, ठेकेदार दाऊद और गुलशाह को भी 15-15 रोज के रिमांड के लिए नैब के हवाले किया गया है। बड़ी करप्शन बलोचिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल, और इस मेगा करप्शन स्कैंडल की आज फिर समाअत हुई है और इस समाअत में साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मुश्ताक रईसानी को एक बार फिर से रिमांड पर नैब के हवाले किया गया है। इस बार मुश्ताक रईसानी का 10 रोजा रिमांड दिया गया है नैब को, जबकि साथ ही साथ मुलजिम इकबाल नदीम, ठेकेदार दाऊद और गुलशाह को भी नैब के हवाले किया गया है। इस बार इन तीनों का 15 रोजा रिमांड दिया गया है नैब के हवाले एक बार फिर से इन्हें किया गया है। बलूचिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल, आज इस केस की एक बार फिर समाप्त हुई और साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान मुश्ताक रईसानी, जिन्हें 10 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। मुश्ताक रईसानी के घर से 70 करोड़ के करीब नकद रकम बरामद हुई थी और आज फिर मुश्ताक रईसानी को 10 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। वतन यार वक्ति उसके नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। जी वतन यार, एक बार फिर से बताइएगा, एक बार फिर से नैब के हवाले किया गया है रिमांड पर मुश्ताक रईसानी को, साथ ही साथ दीगर तीन मुलजिमान को भी 15 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले किया गया है। जी आज साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी और अकाउंटेंट म्यूनसिपल कमेटी खालिक आबाद इकबाल नदीम और किला अब्दुल्ला रोड प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार दो ठेकेदार दाऊद और गुलशाह को नैब ने एहतसाब अदालत में पेश कर दिया और तवक्को यही की जा रही थी कि नैब की जानिब से एहतसाब अदालत को इस्तदा की जाएगी क्योंकि रिमांड में मजीद जो है वो तौसीफ दी जाए। तो इस तरह एहतसाब अदालत ने मुश्ताक रईसानी की रिमांड में 10 दिन की, जबकि बाकी तीनों मुलजिमान के रिमांड में 15 दिन की जो है वो तौसीफ दी और इस तरह नैब के हवाले एक बार फिर हो गए ये चारों मुलजिमान। मुश्ताक रईसानी को एक बार फिर 10 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले किया गया है। वतन यार तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। अभी मुल्तान से यहाँ खबर है। मुल्तान की तहसील शुदाबाद में जहरीले चावल खाने से एक ही खानदान के 4 बच्चों की हालत खैर हो गई है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तलात ये है कि इन बच्चों ने जहरीले चावल खाए, जिसकी वजह से 4 बच्चों की हालत खैर हो गई है और 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वाकया पेश आया मुल्तान की तहसील शुजाबाद में, जहां पर इत्तलात ये है कि जहरीले चावल खाने की वजह से एक ही खानदान के 4 बच्चों की हालत खैर हो गई है और जिनमें से 2 बच्चों की हालत इंतहाई तश्वीशनाक बताई जा रही है। मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं आपको, जहां पर इत्तला आ रही है कि शुजाबाद में जहरीले चावल खाने से एक ही खानदान के 4 बच्चों की हालत गैर हो गई है। इसी पर तफसीलात नहीं के वक्त में उसके नुमाइंदा फरहान मलकानी हमारे साथ मौजूद है। फरहान, कैसी हालत है बिन बच्चों की? फरहान मुल्कानी से एक बार फिर से रابطہ करने की कोशिश करेंगे। मुल्तान की तहसील है शुजाबाद, जहां पर जहरीले चावल खाने से एक ही खानदान के 4 बच्चों की हालत गैर हो गई है और बताया यह जा रहा है कि 4 में से 2 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुल्तान की तहसील है शुजाबाद, जहां पर यह वाकया पेश आया है। जहरीले चावल खाए हैं इन बच्चों ने और इन 4 बच्चों की हालत गैर हो गई है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इन 4 बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद, जहां पर जहरीले चावल खाने से 4 बच्चों की हालत गैर हो गई है। ये वाकया पेश आया मुल्तान की तहसील शुजाबाद में, जहां पर जहरीले चावल खाने की वजह से एक ही खानदान के 4 बच्चों की हालत गैर हो गई है, जिनमें से 2 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इन बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर इत्तलात ये है कि 2 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में जहरीले चावल खाने की वजह से एक ही खानदान के 4 बच्चों की हालत गैर हो गई है और इन बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर इत्तलात ये हैं कि 2 बच्चों की हालत इंतहाई गैर है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ फरहान मलगानी से। फरहान अपडेट कीजिएगा, बच्चों की हालत कैसी है?
जी बिल्कुल, इनको तश्वीशनाक हालत में आज जो है निश्तर अस्पताल मुल्तान शुजाबाद से मुंतकिल किया गया है। ये मैं आपको बताता चलूं, शुजाबाद का इलाका है अमानुल्लापुर, जहां पर इनके जाफर नामी एक शख्स हैं, उनके ये चार बच्चे हैं जो जहरीले चावल खाने से जो हैं वो मुतासर हुए हैं। इनका ये कहना है, जाफर साहब का ये कहना है कि इनके जो भाई हैं उन्होंने इनको रात को उनके घर चावल भिजवाए थे, जो सुबह इनके बच्चों ने चावल जो है वो खाए और जिससे उनकी तबीयत जो है वो खराब हुई और उनको जो है तहसील हेडक्वार्टर शुजाबाद में पहले मुंतकिल किया गया, जहां पर जहां से उनको निश्तर अस्पताल मुल्तान में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर दो बच्चों की हालत जो है वो ज्यादा तश्वीशनाक बताई जाती है। जहरीले चावल खाने की वजह से चार बच्चों की हालत गैर हुई और इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ दो बच्चों की हालत इंतहाई तश्वीशनाक बताई जा रही है। शुक्रिया फरहान, आपने अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। चनार वादी में आग, उगलती भारतीय बंदूकों के सामने सीसीना सुपर कश्मीरियों का आज़म हौसला बुलंदतर होता जा रहा है। राजनाथ सिंह दो दिन मकबूजा कश्मीर में रहकर वापस चला गया है, लेकिन तहरीक आजादी के मतवालों को कायल नहीं कर सका है। आज कश्मीर भारतीय मजालिम के खिलाफ श्रीनगर से इस्लामाबाद तक मार्च किया जाएगा। जन्नत अर्जी कश्मीर के असली दुश्मन और हुर्रियत पसंदों की पीठ में छुरा घोंपने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की महबूबा मुफ्ती भी चिल्ला उठी कि मसला कश्मीर एक हकीकत है, इसे तस्लीम करना होगा, पाकिस्तानियों को फरीक मानना होगा। लेकिन राजनाथ सिंह का कहना है कि पहले तहरीके आजादी रोको, फिर मुजाकरात होंगे। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की शहादत ने तहरीके आजादी कश्मीर को ऐसा रंग रूप दिया है कि जिसके ख्वाब दुनिया भर की तहरीके आजादी देखती हैं। बुरहान वानी का जनाजा ही देख लीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 बार नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें 20 लाख लोगों ने शिरकत की। ये 20 लाख लोग तराल और इर्द गिर्द के इलाकों के ही थे। आज कश्मीरी श्रीनगर के मरकजी चौक में राजनाथ सिंह की मक्कारी के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज करने के लिए जमा होंगे। सरों पर कफन बांधे ये इन कश्मीरियों का ही नारा है, फूंकों से ये चरागा बुझा न जाएगा। अभी इस्लामाबाद से अहम खबर है, जहां पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बाहिल ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा जारी है। मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोग शरीक है। भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और कश्मीर में मुजालिम बंद करने का मुतालिबा किया गया है इन मुजाहिदीन की जानिब से। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बाहर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये मुजाहरा किया गया है और मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं। भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी और कश्मीर में मुजालिम बंद करने का मुतालिबा किया गया है। मजीद तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज अनवर अब्बास से। अनवर अब्बास, अपडेट कीजिएगा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जानिब से मुजाहरा किया जा रहा है। जी, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान चैप्टर जो है उसके जरिए तमाम एक मुजाहरे की कॉल दी गई थी, जिस सिलसिले में ये तमाम लोग जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा भी ये सारे डिप्लोमेटिक इंक्लेव के बाहर जमा हुए और इन्होंने वहां पे एहतजाजी मुजाहरा किया। कफन पोश हुर्रियत रहनुमाओं का ये कहना था कि भारत जो है कश्मीर में जो है जबर जुल्म जबर जो है उसको खत्म करे और मुतासर कश्मीरी जो है उनको पाकिस्तान जो है उनके इलाज मालजे की जो है वो और कफालत का जो है वो सिलसिला शुरू करे। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान भारत से फौरी तौर पर अपना जो हाई कमीशन है उसको वापस मुजाहरीन की जानिब से मुतालिबा किया गया है कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत को बंद करे। शुक्रिया अनवर अब्बास, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास हुआ है। कश्मीर में भारतीय मजालिम और पाक अफगान सरहदी सूरतेहाल पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि भारत के साथ मौजूदा सूरतेहाल में कोई सियासी मुजाकरात नहीं हो सकते। ये कहना है वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का। भारत के साथ
ट्रैक टू और ट्रैक थ्री किसी पर बात नहीं हो रही, ऐसा बता रहा है वजीर दिफा का। कौमी सलामती मशीर दौरा इराद में कुलभूषण समेत तमाम सरहदी उमूर पर बात करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कायमा कमेटी को यह ब्रीफिंग दी है। रेहान शेख वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात देंगे। जी रेहान, कायमा कमेटी के इजलास के हवाले से तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, वजीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अब से कुछ देर कबल मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि भारत के साथ मौजूदा सूरत हाल में कोई सियासी मुजाकरात नहीं हो सकते, ये मुमकिन नहीं है। मुजाकरात दो सतह पर होंगे, भारत के साथ ट्रैक टू और ट्रैक थ्री किसी पर भी बात नहीं हो सकी जबकि कौमी सलामती मुशीर दौरा ईरान पर कुलभूषण समेत तमाम सरहदी अमूर पर बात करेंगे। ये तो वो गुफ्तगू है जो मीडिया के साथ गैर रस्मी की। इसके अंदर जो कमेटी के अंदर ख्वाजा आसिफ का कहना था, उनका ये कहना था कि पहले यहाँ से अफगान महाजरीन जाए, फिर हम देखते हैं यहाँ पर दहशतगर्द कौन है। हम अफगान महाजरीन की वजह से दहशतगर्दों पर हाथ नहीं पा रहे, जबकि सेक्रेटरी दिफा हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी है दौरा बरतानिया के हवाले से और बताया कि हमने पाक कश्मीर का जो मौकफ है वो बहुत वाजह तौर पर रखा और तमाम को बावर कराया है कि कश्मीर का जो मसला है इसको रिकोगनाइज करें। जी शुक्रिया रेहान शेख, तफसीलात दे रहे थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के इजलास के हवाले से गैर रस्मी गुफ्तगू की ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने और उनका ये कहना था कि ना तो ट्रैक टू और ना ट्रैक थ्री पर किसी किस्म की कोई बातचीत भारत के साथ नहीं हो रही। नीरा गाजी खान में कंदील बलोच कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। मुबैना मरकजी बोल्ड टीम कंदील बलोच के कजन हक नवाज ने गिरफ्तारी दे दी है। कंदील बलोच के कत्ल में मुलविस नहीं हूँ, ये कहा गया हक नवाज की जानिब से और पुलिस तंग कर रही है। आपको बताएं कि कंदील के पांव में मैंने पकड़े और ये कहा गया हक नवाज की जानिब से। मरकजी मुलजिम वसीम का बयान भी सामने आ चुका है। इस केस में मजीद पेशरफ सामने आई है डेरा गाजी खान से, जहां पर कंदील बलोच कत्ल केस में मजीद पेशरफ हुई है। मुबैना मरकजी मुलजिम कंदील बलोच के कजन हक नवाज ने गिरफ्तारी दे दी है और उसकी जानिब से ये भी कहा गया है कि कंदील बलोच के कत्ल में मुलविस नहीं, जबकि पुलिस की जानिब से तंग किया जा रहा है। एजाज तरीन वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात देंगे। एजाज तरीन, हक नवाज ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है पुलिस को, इस पर पुलिस का क्या रद्द अमल था और इस केस को हवाले से बताएं केस कहां तक पहुंचे अभी? जी, कंदील बलोच के कजन हक नवाज ने आज पुलिस स्टेशन शाह सदर दीन में अपने आप को पेश कर दिया है और उसको लेकर मुल्तान पुलिस अभी थोड़ी देर में मुल्तान पहुंचने वाली है। वो उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। मुलजिम वसीम के बयान के मुताबिक उनका कहना था कि हक नवाज भी कंदील बलोच के वक्त उसके साथ था और पुलिस ने जो मोबाइल डाटा निकाला उस पर भी मुलजिम बार बार उसके साथ रास्ते में रहा। मुलजिम हक नवाज जो था वो फरार था। आज उसने शाह सदरदीन पुलिस ने गिरफ्तारी दे दी है, जिसके बाद मुल्तान पुलिस उसे लेकर अभी कुछ ही देर में मुल्तान पहुंचने वाली है, जबकि मुलजिम वसीम का आज 5 रोजा रिमांड खत्म होने पर उसे अभी थोड़ी देर बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। जी, कंदील बलोच कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है और कंदील बलोच के कजन हक नवाज ने भी गिरफ्तारी दे दी है। शुक्रिया एजाज तरीन, आपने अपडेट किया। अभी गुजरांवाला से हम खबर है, गुजरांवाला में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिए जाने पर मेयर के उम्मीदवार ने दीगर नुमाइंदों के हमदा एहतजाजन कमिश्नर ऑफिस के बाहर नान टिक्की के रेड़ी लगाकर अनोखा एहतजाज किया है और मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात देने का मुतालिबा भी किया गया है। इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है गुजरांवाला में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात ना दिए जाने पर मेयर के उम्मीदवार ने दीगर नुमाइंदों के हमदा एहतजाजन कमिश्नर ऑफिस के बाहर नान टिक्की की रेड़ी लगाकर अनोखा एहतजाज किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज राना आमिर से। राना आमिर, बताइएगा कि बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से अनोखा एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालिबात हैं इन नुमाइंदों के? जी बिल्कुल, आज यूनियन काउंसिल नंबर 33 और 34 से जो मुंतखब चेयरमैन यहिया भट्ट और रिजवान चीमा, इन्होंने अपने दीगर साथियों के हमरा कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने नान टिक्की की रेड़ी लगाकर अनोखा एहतजाज करते हुए तो उनका कहना था कि जो हुकूमत है वो बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार